गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। कोरबा से इस वक्त का बड़ा हादसा सामने आया है। ग्राम छुरी के पास एक बेकाबू कार ने एक के बाद एक दो बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जिले के सरबंगला रोड पटेल पारा निवासी लक्ष्मी पटेल मैकेनिक का काम करता है। गाड़ी खराब हो जाने के कारण वह उसकी मरम्मत के लिए वाहन मालिक के सुपरवाइजर बालको निवासी संतोष पैकरा के साथ मनेन्द्रगढ़ गया था। वहां से काम निपटा कर दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे छुरी के पास कोरबा से कटघोरा जा रहे कार चालक सत्य प्रकाश नायक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में लक्ष्मी पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सुपरवाइजर संतोष पैकरा गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने लक्ष्मी पटेल की बाइक को टक्कर मारने के बाद एक अन्य बाइक को भी टक्कर मार दिया था। इस बाइक पर छुरी निवासी कक्षा 12वीं का छात्र चंदन अपने दोस्त सुमन कुमार केवट निवासी सरोला के साथ एनटीपीसी जा रहा था, उसे भी छुरी सब स्टेशन के पास कार ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र चंदन के सिर, चेहरे और सुमन के बाएं कान के पास चोट लगी है। एक्सीडेंट के बाद कार का पहिया फट गया, इस कारण ड्राइवर को राहगीरों ने पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना दी। कटघोरा थाना प्रभारी अश्विनी राठौर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, वहीं कार चालक को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तीनों घायलों को इलाज के लिए कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।